महफिल में जल उठी शमा, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। शांति, ओम शांति। आज की ज्ञान मुरली की तारीख है 8/3/11 और आज की मुरली का हेडिंग है ज्ञान सागर कल्याणकारी। मीठे मीठे शिव बाबा, ज्ञान स्वरूप ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। प्रश्न है आज का, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? अब सभी स्मृतियों को नंबरवार अपने मानस पटल पर लेकर के आइए। आज का उत्तर है फिर, बच्चे तुम्हें अपना घर छोड़े। हाँ, कितना वर्ष हुआ? 100 वर्ष भी नहीं, 1000 वर्ष भी नहीं, लेकिन पूरे 5000 वर्ष हुए हैं। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए। अब ये अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब क्या करो, घर जाने की तैयारी करो और फिर सुखधाम में आएंगे। भले घर गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बनकर बाप को याद करो। अच्छा गीत बजा है, गीत भी बड़ा प्यारा है, मैं भी आपको सुनाए बिगर रह नहीं सकती हूँ। गीत के बोल सुना रही हूँ। महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। तो देखो, हम सभी बच्चों ने किससे प्रीत जुटाई है, जो सर्व आत्माओं की रूहानी क्षमा है। और वो क्षमा कौन है? प्यारे प्यारे ज्ञान सागर शिव बाबा, और हम सब हैं उसके परवाने। तो उसकी प्रीत में हम परवाने क्या कर रहे हैं? जीते जी उसके ऊपर फिदा होकर मर रहे हैं, फिदा हो रहे हैं, जल मर के ख़त्म हो रहे हैं। तो आज की धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापस घर जाने के लिए संपूर्ण सतोप्रधान बनना है। नंबर 2, इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुखकर्ता बनना है। वरदान है आज का निष्काम सेवा द्वारा। हाँ, जैसे ब्रह्मा बाबा ने निष्काम सेवा की, तो निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहम दिल भव। जो निष्काम सेवाधारी हैं,
उन्हें कभी ये संकल्प नहीं आ सकता कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ शान मान व महिमा मिलनी चाहिए। ये भी तो लेना हुआ, अगर इच्छा रखी और उन्होंने अगर हमारी महिमा की तो क्या हो गया, ये भी जैसे लेना हो गया। दाता के बच्चे अगर लेने का संकल्प भी करते हैं तो वो दाता नहीं हुए, इसलिए लेने की इच्छा कभी नहीं करनी है। तो बाबा हमें सिखा रहे हैं, हमें अपना स्वभाव संस्कार क्या बनाना है, देने का बनाना है, क्योंकि हम मास्टर दाता हैं। ये लेना भी देने वाले के आगे शोभता नहीं। जब ये संकल्प समाप्त हो तब विश्व महाराजन का स्टेटस प्राप्त हो। ऐसा निष्काम सेवाधारी बेहद का वैरागी ही विश्व कल्याणी और रहम दिल बनता है। अच्छा स्लोगन है आज का, बहुत ही अच्छा। हाँ, जो गलती कई बार कई लोग कर देते हैं, अपनी गलती दूसरे पर लगाना, बाबा कहते हैं यह भी परचिंतन है। तो इसीलिए हम इस बात का भी ध्यान रखें, अपनी गलती हम खुद स्वीकार करें और अपनी गलती का परिवर्तन करने का पुरुषार्थ शुरू करें, और जिसके साथ गलती हुई उसकी हम क्षमा भी मांगें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। मरने का है नाम मोहब्बत, जलने का है नाम जवानी, पत्थर दिल है सुनने वाले कहने वाला आंख का पानी, आंसू